एकमात्र आराध्य कौन है? देवी देवताओं के ऊपर भी कोई है? अभी मैंने कहा था आदि नारायण कौन है? क्षर पुरुष, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वाप्निक रूप हैं। आपा कहते हैं मोह सागर, यानी प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति में अक्षर ब्रह्म का मन जो स्वाप्निक रूप से प्रतिबिंबित होता है, वो नारायण का रूप लेता है। उसी नारायण की चेतना के प्रतिभास स्वरूप संसार के सारे ऋषि मुनि देवी देवता प्रकट होते हैं। और वो किसका ध्यान करते हैं? उन्हीं नारायण का ध्यान करते हैं। आप भगवान शिव का फोटो देखिए, वो भी ध्यान करते हैं। महामर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र देखिए, वो भी ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी को देखिए, वो भी ध्यान करते हैं। विष्णु भगवान को देखिए, वो भी ध्यान करते हैं। सभी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान करते हैं? उसी अव्यक्त ब्रह्म का, जो मन वाणी से परे है। और उसी अव्यक्त ब्रह्म को प्रण ओंकार के नाम से कहा करते हैं। ओम इतेतद अक्षरम सर्वम तस उपव्याख्यानम, उपनिषदों में तरह तरह से इसकी विवेचना की गई है। लेकिन मन वाणी चित्त बुद्धि सबसे परे जो सच्चिदानंद परब्रह्म है, उसके बारे में कोई जान नहीं पाता। जो सभी ऋषि मुनियों का उपास अविनाशी अक्षर ब्रह्म रहा है, सबने उसी अक्षर की उपासना करने का प्रयास किया है। लेकिन अक्षर से भी परे वो अक्षरातीत है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि आजकल तो जो हिंदू समाज विशेष करके भटक गया है, उसको एक परमात्मा के बारे में यथार्थ बोध ही नहीं है। भोली भाली जनता कहीं ना कहीं भटकाव की शिकार अवश्य है। जैसे जैन मत में 24 तीर्थंकर हुए, उसी तरह से पौराणिक जनमानस ने 24 अवतारों की मान्यता रखी। अवतार भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए जाते हैं, कहीं कहीं भगवान शिव के द्वारा भी अवतारों की मान्यता की जाती है। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहाँ तो ये अवतार नहीं होते, अवतार यहाँ प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की तरफ से देखा जाए तो रामचरितमानस में क्या कहा है? जाति न थे हरि गर्भ आए, यानी भगवान जिस दिन से गर्भ में आते हैं। उसी रामचरितमानस में कहा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जास अंश ते नाना, जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या हिंदू समाज इस कट सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा कि नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंश ते नाना, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिसके अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा क्या हो गया? परमात्मा तो निश्चित है कि इन सबसे परे हो गया। इसलिए जिनको हम देवता कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, पहले यह बात सोचनी होगी। हमारे समाज में 33 करोड़ देवताओं की बात कही जाती है। ये 33 करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 देवता कौन है? अष्टवसु, 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, इनमें प्रजा का वास होता है। अष्टवसु द्वादश आदित्य, यानी वर्ष के 12 महीने, क्योंकि इससे सबकी आयु समाप्त हो जाती है। एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन, क्योंकि ये सगे संबंधियों को रुनाने वाले होते हैं। 32वां होता है यज्ञ, यज्ञ यानी अभी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 32वां देवता है प्रजापत, प्रजापत को यज्ञ कहते हैं, यज्ञ को प्रजापत कहते हैं। जैसे अभी इस कक्ष में क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है। 33वां देवता है इंद्र, यानी विद्युत। अभी बिजली चली गई थी, तो अभी बिजली न रहे तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ना आप मुझको देख पाएंगे। ये 33 देवता हैं। अथर्व वेद में इन्हीं 33 देवताओं का वर्णन है। वेद मंत्र कहता है, यस् त्रैत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा अस्कम्भं तं ब्रो कतमः शिव देवा। यह 33 देवता जड़ देवता हैं, ये कभी उपास नहीं हो सकते। 33 देवताओं से परे जो चेतन सबका कर्ता धर्ता पालन करता परमात्मा है, वही 34वां उपास देवता है। जहाँ 33 करोड़ देवताओं की बात कही जाती है, एक समय भारत ऐसा था जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता था।
कोई चोरी नहीं करता था, कोई नास्तिक नहीं था, हर व्यक्ति दिव्य गुण वाला था। जिसमें दिव्य गुण हो उसको देवता कहते हैं, जो सत्वगुणी है वो देवता, रजोगुणी हो मनुष्य, जो आसुरी गुण तमोगुणी है उसको राक्षस कहते हैं। जिस समय सतयुग में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, यहाँ का हर व्यक्ति देवतुल्य था, इसलिए कहा जाता है कि भारत में 33 करोड़ देवता रहते हैं। लेकिन आज तो भारत में, गुजरात में तो नहीं जानता, उत्तर भारत में तो जगह जगह मांस और शराब की दुकानें बिकती हैं, तो मांस और शराब को खाने पीने वाले को देवता तो नहीं कह सकते। इसलिए 33 जो जड़ देवता हैं इनकी पूजा नहीं करनी है, जो जिससे हमें गुण मिलता है उनके हम गुणों की पूजा करें, चरित्र की पूजा करें, चित्र की पूजा न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम गुणों को आत्मसात करें, योगेश्वर श्री कृष्ण को, योगिराज भगवान शिव के गुणों को आत्मसात करें, यही सच्ची देव पूजा है। भारतीय संस्कृत में कहा गया है मातृदेव भव माता देवता है, पितृदेव भव पिता देवता है, आचार्य देवता है, क्योंकि ये हमें कुछ देते हैं। माता जन्म देती है, पिता भरण पोषण करता है, आचार्य ज्ञान देता है, पत्नी के लिए पति देवता है, और जो अतिथि सन्यासी होते हैं धर्म उपदेश करते हैं उसे समाज का भला होता है। ये प्रत्यक्ष चेतन देवता है, इसलिए चेतन देवता की पूजा कीजिए जो आपकी आत्मा को सत्य की तरफ ले चलता हो। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।